नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर अड्डा पे। पावर ट्रैक 445 सात फुट सोनालिका रोटावेटर साथ। अभी इस समय इसमें गेहूं की बुआई हो रही है। एक बार इस खेत को कल्टीवेटर से जुताई किया गया है, उसके बाद फिर रोटावेटर से इसको जो है जुताई किया जा रहा है। गेहूं की बुआई चल रही है। ट्रैक्टर की स्पीड होगी 1600 आरपीएम पे, लो के दूसरे गियर। अभी इस समय ट्रैक्टर चल रहा है। एकदम बिंदास ट्रैक्टर चल रहा है, कोई भी आरपीएम ड्रॉप नहीं, लो के दूसरे गियर में है रोटावेटर के साथ। लीवर भी तकरीबन डाउन ही है ऑल टोटल। शानदार आवाज। परफॉर्मेंस देखिए यार, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, मौज में चल रहा है ट्रैक्टर। ना कोई आरपीएम ड्रॉपेज, ना कोई दबाव एक्स्ट्रा, बिंदास जुताई करता हुआ 7 फीट सोनालिका का रोटावेटर। लाजवाब परफॉर्मेंस। अभी तक ट्रैक्टर में कोई भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से कुछ कमी वाला प्रोसेस कुछ दिखाई दिया हो। दो हज़ार चौदह का मॉडल है, 445 पावर ट्रैक। अभी तक ना गाड़ी में कोई कमी आई है, ना रोटावेटर में। देख सकते हैं पूरा लीवर डाउन। भाई लोग, अगर आपको कुछ भी ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें हमें, और प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करें। आप जो कुछ भी बोलेंगे, मैं पक्का है मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी अगर गलत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं हमें, मैं उस पर अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या को जो है पूरी तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकूं। बाकी गाड़ी चल रही है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। आपको कभी भी कुछ भी समस्या है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द
उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे। आप सभी भाई लोग जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े। आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, एक्स वाई जेड कुछ भी जानकारी, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस से लेके उसके मैन्युफैक्चरिंग तक, आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमारे प्लीज़ हमें हमारे साथ कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका सलूशन मिल दे सकूं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।